देवांशली मोइत्रा। रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी दर्शकों को पसंद आ रही है। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने दो दिनों में 44 करोड़ की कमाई की थी। वहीं अब लीजिए फिल्म के तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। बता दें कि फिल्म ने तीसरे दिन 31 करोड़ 6 लाख की कमाई की है। इसके साथ ही सिम्बा ने पहले वीकेंड में 75 करोड़ का कलेक्शन अपने नाम कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। ये फिल्म जिस तरह से कमाई कर रही है उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले दिनों में सिम्बा कमाई के मामले में बड़ा इतिहास रच सकती है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी सिम्बा एक मसाला एंटरटेनर है जिसमें आपको फुल ऑन एक्शन, कॉमेडी, डांस और ड्रामा देखने को मिल रहा है। बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का ओवरऑल बजट 80 करोड़ है। साथ ही इस फिल्म को भारत में लगभग 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। बता दें कि सिम्बा में रणवीर सिंह और सारा अली खान की जोड़ी पहली बार नजर आई है जो फैंस को बेहद ही पसंद आ रही है। कहना गलत नहीं होगा कि सिम्बा की कमाई से अगर सबसे ज्यादा किसी की जेब भरने वाली है तो वो कोई और नहीं बल्कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं, जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शन के तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। वेल, देखना तो अब ये दिलचस्प रहेगा कि रणवीर सिंह की सिम्बा आने वाले दिनों में और कितने करोड़ों का कारोबार कर पाती है। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।